मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा यार। मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे ना कढ़ाइयाँ क्या कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन भाई जान ये देखो, ये कढ़ाइयाँ, फिर नीचे कढ़ाइयाँ, वहाँ पे कढ़ाइयाँ, इधर नीचे कढ़ाइयाँ, प्रॉपर ये पनीर की बनी हुई रसमलाई है। बहुत अखीर यार, बहुत ही कमाल गया भाई, खत्म है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपर अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज साकिब मुबीन और मैं मौजूद हूँ गुजरावाला में, और अभी रात का टाइम है। यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा मशहूर पॉइंट है यहाँ का, जिसकी चांपे भी पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, वो है खिजर टिक्का। और खिजर चांपों के नाम से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने अपने पास उसकी कॉपी बनाई हुई है। इतना माशाल्लाह उनका फेमस सेटअप है सारा, इनकी चांपे इतनी फेमस हैं। वो खिजर टिक्का हम ट्राई करेंगे, खिजर टिक्का पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ठंडा कुछ मीठा ट्राई कर लें। गर्मी का मौसम है और अभी भी गर्मी लग रही है, और गर्मी के मौसम में फलूदा और रबड़ी आइसक्रीम वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ अगर मिलती है, वो खिजर टिक्का के बिल्कुल साथ ही एक सेटअप है छोटा सा। ये है फ्रेश को डेरी आइसक्रीम के नाम से पॉइंट है, इनके पास चलते हैं। पहले मैं आपको इसकी लोकेशन समझा दूँ, फिर इसके बाद हम जाएंगे खिजर टिक्का पे। अच्छा यार, ये जो है ना सामने गोंदा वाला रोड है, ये पूरा रोड जो है गोंदा वाला रोड कहते हैं। ये सामने आ रहा है गोंदा वाला चौकोरी साइड से, और आगे ये जा रहा है सीधा आगे गोंदा वाला की तरफ को। इस रोड पर जब आप आगे आएंगे तो आपके लेफ्ट साइड पर ये पॉइंट है फ्रेशको बिरयानी और फ्रेशको डेरी आइसक्रीम के नाम से। बिरयानी इसके पास इनके पास होती है यहाँ पे इस टाइम, लेकिन ये टाइम नहीं है बिरयानी खाने का, बिरयानी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हुई है। पता नहीं है, मैं पता ही कर लेता हूँ यार, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, बिरयानी है अभी भी? बिरयानी ख़त्म हो गई है? हाँ बिरयानी ख़त्म हो गई हुई है। तो अभी जो है ना इनके पास ये रबड़ी और फलूदा वगैरह होता है, वो इनसे चलो ट्राई करते हैं, थोड़ी गपशप भी करते जाके अंदर भी ऑनर बैठे हैं, शायद उनसे बात कर लेते हैं थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम उसामा। उसामा भाई, उसामा भाई, कितना पुराना सेटअप आपका ये? हमें तकरीबन 30-35 साल हो गए। माशाल्लाह। और आपके वालिद साहब ने स्टार्ट किया था? दादाजी ने? वालिद साहब ने किया था। वालिद साहब ने स्टार्ट किया था, अच्छा ठीक है। तो आपके पास क्या क्या होता है? हमारे पास सुखाने में है बिरयानी दाल चावल है, अच्छा डेजर्ट्स में फलूदा रसमलाई आइसक्रीम ठंडा दूध थोड़ा लस्सी वगैरह ये चीज़। अच्छा माशाल्लाह, सारा कुछ ही आपने गर्मी वाली आइटम रखी हुई है। सर्दी में क्या करते हैं? सर्दियों में जाता है उसमें फलूदे की जगह आ जाता है चाय, अच्छा गाजर हलवा, अच्छा ये जिन्हें डोडा होता है, मतलब कुछ शाबी डोडा शायद। हाँ हाँ डोडा भी होता है सर्दी में भी बनाता है। अच्छा ठीक है। और ये बिरयानी 24 आपको 4 सीजन चलती है, 12 महीने चलती है, ठीक है। अभी आप स्पेशल, अच्छा अगर एक बंदे ने सिर्फ एक या दो चीज़ ट्राई करनी हो तो आप क्या रिकमेंड करेंगे उसको, क्या खाए वो डेजर्ट में मीठे में? डेजर्ट्स में हमारी रसमलाई। रसमलाई, अच्छा ठीक है, सिर्फ रसमलाई काफ़ी है? मतलब रसमलाई खा के आपको आपका टेस्ट अगले को घर तक याद रहेगा? चलो कभी नहीं भूलेगा। अच्छा चले, ऐसे ऐसे कितने की है रसमलाई? 220 रुपये का दे रहे हैं, दो पीस वाला, 260 रुपये किलो। 1260 रुपये किलो है, किलो में उसमें 12 पीस आ जाते हैं, सही है। चलो फिर आप एक रसमलाई हमारे लिए लिखवा दें। तो ये जो है ना इन्होंने छोटी सी गुफा बनाई हुई है, ये भाई यहाँ से अंदर आएगा, ये गया ये अंदर, ये इसलिए भी है कि ये साफ रहे, ये सफाई की वजह से हमने टोटल बंद किया हुआ सारा। यार ये बड़ा अच्छा सिस्टम है टोटल, हाँ ये अच्छा सीज़न की वजह से बंद किया हुआ लाइटें अंदर, ठीक है यार ये बड़ा अच्छा सिस्टम है यार ये। ऊपर भाई क्या करें? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सही है, मज़े में है, पंखा चल रहा है आपके पास, ठीक है। ऊपर क्या है उनके पास? ऊपर फलूदा है, सही है ठीक है। चलें बनाए जी एक एक प्लेट यार, ये हमारे लिए रसमलाई बना रहे हैं। अंदर आवाज़ कैसे जाती है, मतलब शीशा टोटल बंद है ये? उस साइड से है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। चाह करूँगा चाह दे दे। लो जी ये रसमलाई आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा यार इनकी जो रसमलाई है ना माशाल्लाह बहुत मज़े की, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, तो इसका टेक्सचर बहुत कमाल का लग रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि इसका जो दूध है ना नीचे, ये दूध भी बहुत ज़्यादा थिक है। ये अच्छा छोटे शहरों में, छोटे शहर से मुराद मेरी ये है कि जो बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा मेट्रोपोलिटन सिटी में नहीं आते, इस तरह के गुजरांवाला हो गया या सरगोधा हो गया या झेलम हो गया, छोटे सिटी जितने भी हैं यहाँ पर ना आपको दूध और इस तरह की चीज़ें थोड़ी खालिस मिल जाती हैं जो गाँव के करीब हैं। इतने बड़े शहर ना वहाँ पर खालिस चीज़ का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, और दूध के मामले में सबसे अच्छा सिटी जो है ना वो साहिवाल है। और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दूध इन्होंने कुछ बहुत अच्छा क्वालिटी का दूध इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसको चेक करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ से हम तोड़ेंगे थोड़ी सी रसमलाई और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह डिप करेंगे, और इसके ये जो है ना हमारी बाइट बन गई माशाल्लाह खूबसूरत सी। बिस्मिल्लाह, यार कमाल की रसमलाई है, इतना बैलेंस मीठा, इतना बैलेंस मीठा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको ना अंदर से पकड़ के दिखाऊं कि अंदर से क्या चीज़ है ये। इसका अंदर से टेक्सचर बहुत प्यारा है, ये देखो ये चीज़, ये देखो
ये कितना कमाल का टेक्सचर है इसका, फुल एरी और स्पंजी टाइप की ये रसमलाई है। बाकी जितनी मैंने खाई है ना वो अक्सर उनका गुलाब जामुन बन चुका होता है, वो रसगुल्ला बना होता है, वो एयर और जो होती है ना जो स्पंज होता है वो फील नहीं होता, इसमें पूरा स्पंज फील हो रहा है और इससे पता लग रहा है कि प्रॉपर ये पनीर की बनी हुई रसमलाई है। खा के पता लग रहा है कि पूरा रसमलाई वाला पाउडर नहीं है, पनीर की रसमलाई उन्होंने बनाई हुई है, उसको खा के इसका फ्लेवर आ रहा है और बिल्कुल भी ज़्यादा मीठा नहीं है, बिल्कुल बैलेंस मीठा है और बहुत मज़ेदार चीज़ें यार, मतलब बहुत मज़े की लग रही मुझे। ये देखो कैसे कमाल, ये देखो बहुत ज़्यादा यार मज़ेदार चीज़ है। इनकी जो है ना रसमलाई बड़ी मज़े की है। मसला एक चीज़ मैं इनसे पूछने लगा हूँ। अच्छा उसामा भाई एक बात बताएं, ये जो आपने रसमलाई बनाई ये पनीर की बनाई है? हाँ जी, जो पीस होते हैं वो पनीर के बनते हैं। पीस पनीर के बनते, हर जगह ऐसे ही होता है? नहीं, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें कुछ दूध पाउडर इस्तेमाल होता है ना। मैंने आपकी जो रसमलाई, मुझे जो चीज़ स्पेशल लगी है ना, डिफरेंट लगी है, वो यही थी। आपके उसमें ऐसा फ्लेवर आ रहा था जैसे वो दूध की जो पनीर बनाते ना, फटा हुआ दूध होता है उसका जो पनीर बनता है, वो उसके अंदर पूरा स्पंज भी आ रहा था। आपके पास बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगा ये रसमलाई। बहुत शुक्रिया यार, जज़ाकअल्लाह। मैं ये बताना चाह रहा था कि हर जगह पे इस तरह की नहीं मिलती रसमलाई, हर जगह पे आपको पाउडर मिलता है और यहाँ पे जाना आपको ओरिजिनल पनीर की इन्होंने रसमलाई बनाई थी। इसके थोड़ा सा ही वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर खिजर टिक्का है, ये देखो ये सामने जाना, ये है फरूदावरी शॉप जहाँ से मैं अभी खा के आ रहा हूँ, ठीक है। और इसी पे आगे आएंगे, इधर को जाएंगे, इसी गोंदा वाला रोड के ऊपर हम आगे जा रहे हैं और ये पिकअप हमारे साथ साथ जा रही है। पाए दूसरी लांग जो जाओ, अल्लाह हाफिज। अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये 14 अगस्त की भाई इन्होंने डेकोरेशन भी की हुई है और ये आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा खिजर टिक्का, ये है जी खिजर टिक्का और यहाँ पे भी एक इनका बोर्ड लगा हुआ है, इनके पास चलते हैं। जो है ना ये खिजर टिक्का है और इनकी सारा सेटअप जो है ना ऊपर है, ऊपर चलते हैं इनके पास। वे ये क्या है, ये तो सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। हाँ मुझे लग रहा है शायद ये रास्ता कामयाबी की तरफ जा रहा है और आगे से रास्ता बंद है, कोई बात नहीं हम नाकामी वाला रास्ता पकड़ लेते हैं। ये जो ये है नाकामी वाला रास्ता, ये कोई चौथी मंजिल है जहाँ पे मैं आया हूँ। गुजरांवाला में ना हर चीज़ जो है ना वो आसमान से निचले फ्लोर पे होती है। ये जनाब यहाँ पे माशाल्लाह वापस ये चांपे लगी हुई हैं जिन्होंने रश डाला हुआ पूरे पाकिस्तान में। ये जनाब इधर तैयार हो रहा है, ये चांपे तैयार हो रही हैं, ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा ये चिकन है, ये चिकन दिखा है, ठीक हो गया। क्या नाम है आपका? समर, माशाल्लाह ठीक हो गया जी। यहाँ पे क्या है जी, ये मलाई बोटी इस तरफ जो है जी, यहाँ पे ये इनकी मलाई बोटी है, साथ चिकन टिक्का है, कबाब है, ये भी चिकन टिक्का है। वो आगे के एंड पे वो नली है। क्या है? नली, नली मटन नली, नलियाँ, ठीक है ठीक है। ओहो भाई हाँ चांपे, बहुत अला यार, ये वो चांप है जिसके नाम पे लोगों ने अपने अपने रेस्टोरेंट में इसके नाम से ना चांपे रखी हुई हैं, लोगों ने इसका नाम रखा हुआ खिजर चांप। हमारे पास एक स्पेशल खिजर चांप होती है और वो इतनी फेमस है खिजर की चांप के लोगों ने रेस्टोरेंट में उसका डिश का नाम ही खिजर चांप रख दिया। खाली है? खाली है। इसमें क्या लेके जाते हो? कढ़ाई। कढ़ाई लेके जाते हो? चलो कढ़ाई यहाँ बनती है। अच्छा माशाल्लाह, ये जनाब इनका सेटअप है, ये प्रेशर लगे हुए हैं और वहाँ पे कढ़ाइयाँ बनती हैं वहाँ पे। करेले, करेले हैं ये, करेले हैं ये, करेले किस में डलते हैं? अपने लिए बना रहे हैं। मैं अभी वो करेले कहाँ पे आ गए खिजर पे, ठीक हो गया ठीक हो गया माशाल्लाह। आप करेले शौक से खाते हैं? इतने सारे खा लेंगे आप? स्टाफ के ना? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह अच्छा अच्छे कर रहे हैं काम, अपने लिए भी कर रहे हैं। मैं सोच रहा था वो सारी खाली पड़ी हुई है, लेकिन भाईजान ये है, ये सामान है सारा, ये देखो ये कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, इधर कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं बेशुमार। ये मटन कढ़ाई है, बटर में मटन कढ़ाई है, ये भी बटर में है, सही हो गया। अच्छा जी ये आप रेडी कर रहे हैं अब इसको? यार यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह कढ़ाइयाँ बन रही हैं फुल स्पीड में, यहाँ पे दो दो चार चार कढ़ाइयाँ लगी हुई, एक जा रही है, दूसरी आ रही है, दूसरी जा रही है, चौथी आ रही है, तीसरी जो है ना उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। ये देखो ये तीसरी, ये साइड में कर दिया उसको उन्होंने, ये चौथी आ गई, ये देखो ये टोटल चार कढ़ाइयाँ, एक दो तीन चार, माशाल्लाह बहुत भाई मैसेज सेटअप है इधर, इधर भी
उधर बारबेक्यू पे भी बहुत कमाल सेटअप लगा हुआ है। यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, वो सामने बारबेक्यू चल रहा है, उधर भी सेटअप चल रहा है, इधर भी माशाल्लाह सेटअप चल रहा है। मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे ना कढ़ाइयाँ के कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन भाई जान ये देखो, ये कढ़ाइयाँ, फिर नीचे कढ़ाइयाँ, वहाँ पर कढ़ाइयाँ, इधर नीचे कढ़ाइयाँ, ये देखो यहाँ पे जो है ना ऐसे कढ़ाइयाँ बाहर आ रही हैं जैसे लेडीज़ की कॉमन पिन होती है ना, वो हर दराज में से निकल रही होती है, जो उनकी नकाब वाली बाय वाली पिने होती है ना, यहाँ हर दराज में से कढ़ाई निकल रही है माशाल्लाह। और इसके नीचे वाले दराज में भी कढ़ाई है माशाल्लाह, हर तरह की कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है जी? अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुनीर यूनुस। मुनीर साहब, मुनीर यूनुस साहब, ये आपका कितना पुराना सेटअप है? ये तकरीबन 30-35 साल पुराना। 30-35 साल पुराना। और स्टार्ट आपने खुद किया था या वालिद साहब ने? वालिद साहब ने किया था। अच्छा, तो ये रेसिपी कहाँ से आई थी आपको? बड़ी यूनिक रेसिपी है ये। बस अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला ने दी है। अच्छा सर, माशाल्लाह आपके पास ज़्यादा फेमस तो आपकी चांपे है ना? हर चीज़ फेमस है। अच्छा ठीक है, तो ज़्यादा मेरी नज़र में हर चीज़ फेमस है, क्योंकि मैं वो आपकी नज़र में सारे बच्चे बराबर होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपकी टाइमिंग ज़रा क्या है? टाइमिंग हमारी ये जो है मेन ब्रांच, ये 2-4 बजे से रात 2 बजे तक है। वो जो डीसी कॉलोनी वाली ब्रांच है वो 12 बजे से रात 12-1 बजे तक है। अच्छा, उसका टाइम ज़्यादा है जी? सही है, ठीक हो गया। वैसे चांपों के अलावा क्या क्या होता है आपके पास? चांपों के अलावा मटन कढ़ाई है, और मछली कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, देसी मुर्ग की कढ़ाई है। अच्छा, स्टीम मछली है, स्टीम रोस्ट है हमारे पास स्पेशल। मछली तो सर्दियों में होगी ना? नहीं नहीं नहीं, मटन की। अच्छा, मटन की मछली। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, माशाल्लाह। ये क्या चीज़ है? ये स्टीम रोस्ट है मछली। मछली होगा, इसकी क्या प्राइस है? ये 1940 1940 में एक मछली का पीस है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा यार, हमारे सामने जो है ना इनसे कबाब मंगवाए, मटन के कबाब हैं, यहाँ पे मटन का टिक्का है, और यहाँ पे मटन की चांपे हैं, यहाँ पे जो है ना हमारे साथ ये मटन की कढ़ाई है, इनकी स्पेशल कढ़ाई है। अच्छा, ये जो कढ़ाई बनी हुई है ना, ये ऑलिव ऑयल में बनी हुई है। पहले इनका मटन टिक्का ट्राई करते हैं, ये चेक करो, ये बोटी चेक करो, माशाल्लाह ये फुल नरम। ओए होए होए होए, कमाल यार, बहुत आला। इसको इंतज़ार नहीं करवाना, बिस्मिल्लाह। ओए यार, टू गुड। मीरपुर में ना एक अमीन टिक्का है, अमीन टिक्का हाउस है, अमीन कबाब हाउस, अमीन टिक्का हाउस को भी है। एक उनका मटन टिक्का और एक ये मटन टिक्का, ये फिर भी बेहतर है उसे। दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है उसे। बहुत अखीर यार, बहुत ही कमाल गया। अंदर तक बिल्कुल ऐसे ऐसे फोम की तरह होता है ना, बिल्कुल नरम, बिल्कुल भी चुई नहीं है, इतना सा भी चुई नहीं है। जैसे चबाया पूरा दांत अंदर जाके चिपक गया उसको। होता है ना गोश्त को आप चबाते हैं, दांत वापस आता है, फिर चबाते हैं, फिर वापस आता है, फिर चबाते हैं, फिर जाकर वो टूटती है। एक ही दफ़ा मैं चबाया दांत से और एक ही दफ़ा मैं पूरा एंड तक ही टूट गया। बहुत आला यार, ख़त्म है। और मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस चाम से भी, क्योंकि चाम भी ऐसी होगी। यार सेम सेम यार, बहुत आला चीज़ यार। इसमें ना फ्लेवर इधर भी होता है। ये फैट में भी फ्लेवर है। लेवल है यार, ये इतनी फिट चांप है कि इसको सिग्नेचर बना के लोगों ने अपने रेस्टोरेंट पे खिदर चांप के नाम से एक आइटम रखी हुई है। उसका टेस्ट भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन ओरिजिनल इज ऑलवेज बेटर यार। बहुत ज़्यादा, इसके साथ किसी भी चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। आपने इसका रोटी, मैं कहता हूँ यहाँ पे आओ, रोटी भी मत खाओ, सिंपल सीधी सीधी चांपे खाओ, थोड़ी सी महंगी होगी, चांपे खाओ, घर जाओ। बहुत अलग चीज़ें आ रही है। टू गुड यार, ये जिनका मटन कबाब, इसको भी ट्राई कर लेते, लगे आधा से मटन कबाब। अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया ना वो अभीन कबाब है, उसको भी पसंद आया जो मीरपुर में है। उससे अच्छा मटन कबाब मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। इसको भी ट्राई करते हैं यार, इट्स गुड, अच्छा है। लेकिन अभी तक अमीन कबाब उस जैसा मटन कबाब कहीं भी मैंने खाया, कहीं पे भी नहीं खाया। उससे पहले तक मेरी ये राय होती थी कि आपको कबाब मटन में बनाने नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद मेरी राय चेंज हुई है। ये अभी तक उसके करीब नहीं है, लेकिन भजन चांपें बहुत लेवल की हैं, टिक्का बहुत लेवल का है, बिल्कुल भी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक बाइट जाना छोटी सी हम यहाँ से कढ़ाई की भी ले लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि भजन बहुत सारे मेहमान हमारे साथ हैं, उन्होंने भी खाना खाना है, वो वेट कर रहे हैं। ये जनाब यहाँ से हम लेंगे बोटी,
ये जनाब मटन की बोटी आ गई, ये ऑलिव ऑयल में इसको हम डिप करेंगे, साथ में थोड़ी सी इसकी ग्रेवी लेंगे। यही इसकी पहली बाइट है, यही इसकी ऑप्टिमम बाइट है। दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट, दिस इज़ द नॉर्मल बाइट ऑफ खिजर टिक्का हाउस गुजरांवाला। बिस्मिल्लाह। बाइक ख़त्म है। ये ऐसा खाना है, ऐसा खाना है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा रिव्यू नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ ये अल्फाज हैं, कबाब के अलावा इनकी हर चीज़ है ना 10 out of 10 है। कबाब 8.5 में दूंगा रेटिंग उसको, चाँप 10 out of 10, टिक्का 10 out of 10, और ये कढ़ाई जो है ना ये भी 10 out of 10 है। एक चीज़ इनकी मैंने मिस कर दी आज इस दफ़ा, वो है इनकी स्टीम मछली। नेक्स्ट टाइम कभी इंशाल्लाह मौका मिला वो चलते फिरते वो ट्राई कर लेंगे। ओवरऑल वीडियो बहुत भाई बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो यहीं पर इसको ख़त्म करो। अगर आपने ट्राई नहीं किया ना भैया गुजरांवाला आप आए हैं और आपने ट्राई नहीं किया, आपने अपने पैसे भी जाया किए, अपना टाइम भी जाया किया, इसको लाजमी ट्राई कर लें। वीडियो यहीं पे ख़त्म करें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दिस इज माय इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम। आपसे कब से होती है मुलाकात होती है लाइव चलता हूँ इंस्टाग्राम पर, आपसे मुलाकात करें इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।